प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण का पर्व मनाते हैं। उनके पुनरुत्थान के बाद वे इस धरती पर 40 दिनों तक रहे और वे स्वर्ग में अपने पिता के पास वापस चले गए। उनके बोलने के बाद उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया और वे पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे। मरकुस 16:19। जैसा कि वे बोल रहे थे, जब उनके चेले उन्हें देख रहे थे, तब उसे उठा लिया गया और वे बादल में उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। प्रेरितों के कार्य 1:9। सफेद वस्त्र पहने दो व्यक्तियों ने पूछा, गलील के लोगों, तुम क्यों खड़े हो और स्वर्ग की ओर देखते हो? यह यीशु जिसे स्वर्ग में ले जाया गया, वह उसी तरह से आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों को कई बार यह विश्वास दिलाने के लिए प्रकट हुए कि वह मृत लोगों में से जी उठे। यीशु क्यों स्वर्ग गए? मसीह हमारी खातिर और जो वे हैं, वे अपने सही स्थान पर चले गए। सेंट थॉमस लिखते हैं, अब उनके पुनरुत्थान द्वारा मसीह ने एक अमर और अपरिवर्तनीय जीवन में प्रवेश किया, लेकिन जबकि हमारा निवास स्थान अस्थिर और भ्रष्टाचार का है, स्वर्गीय स्थान अमरता का है। यीशु हमारे लिए एक जगह तैयार करने गए हैं। सेंट थॉमस अक्विनास का तर्क है कि स्वर्ग रोहन मसीह का एक मोक्ष इतिहास है। यीशु ने प्रेरितों से कहा कि वह उनके लिए बेहतर था कि वह उनसे आगे स्वर्ग तक जाए। सेंट थॉमस लिखते हैं, पहले उन्होंने स्वर्ग में हमारी चढ़ाई के लिए रास्ता तैयार किया। यीशु ने कहा, अगर मैं जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि तुम भी वहीं रहो जहां मैं हूं। यीशु स्वर्ग जाने के बाद मानवता के लिए हस्तक्षेप करता है, इसलिए वह हमेशा उन लोगों को बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से भगवान के पास आते हैं, क्योंकि वह उनके लिए हस्तक्षेप करता है। यीशु स्वर्ग जाने के बाद हमारे विश्वास, आशा और प्रेम को बढ़ा दिया। सबसे पहले अधिरोहण मसीह ने हमारे विश्वास को सक्षम बनाता है। दूसरे, यह आशा को बढ़ावा देता है क्योंकि मसीह उस स्थान पर चला गया है जहां उसने उन लोगों के लिए वादा किया है जो वफादार रहते हैं। तीसरा, यह प्रेम को बढ़ावा देता है क्योंकि यह स्वर्ग से है कि मसीह हमें पवित्र आत्मा और उनके प्रेम की आग भेजता है, हमें परमेश्वर और पड़ोसी के प्रेम का आग्रह करता है। यीशु का स्वर्ग जाना उसके शिष्यों के लिए एक अंत और एक शुरुआत थी। जब प्रभु यीशु प्रेरितों से शारीरिक रूप से विदा हुए, तो उन्होंने उन्हें दुख में नहीं छोड़ा। उसने उन्हें आशा के साथ खुशी से भर दिया कि पवित्र आत्मा उनके पास आएगी। प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा में नया जीवन देते हैं और वह हमें विश्वास, आशा और प्रेम में मजबूत करते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा कर सकते हैं और पृथ्वी पर अपने राज्य के नागरिकों के रूप में उनके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम यीशु मसीह के लिए प्रभावी गवाह कैसे हो सकते हैं? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आ गई है, तब तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे पृथ्वी के अंत तक। गवाही देना सभी मसीहियों की बड़ी जिम्मेदारी है जो पूरे कलीसिया को मसीह देते हैं। इस कार्य में सभी विश्वासियों को एक हिस्सा दिया गया है। हमें इस कार्य में अकेले नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि प्रभु ने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा
अपने माध्यम से काम कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी पवित्र आत्मा के उपहार के माध्यम से आप हमें एक अदम्य आत्मा की प्रशंसा और आनंद से भर देते हैं, जिसे कोई भी सांसारिक परीक्षण नहीं दबा सकते हैं। मुझे अपने पुनरुत्थान के आनंद से भर दो और मुझे अपनी महिमा के लिए प्रशंसा और धन्यवाद का जीवन जीने के लिए मदद करो। मुझे अपने चारों ओर उन लोगों का गवाह बनने में मदद करें जो सुसमाचार की खुशी और पाप और मृत्यु पर आपकी महान जीत की वास्तविकता है।